बिना रिसेंटली कमेंट बॉक्स में मेरे से किसी ने पूछा कि सर 2CC करने पे कितनी सैलरी आती है और क्या ये एक बार आती है या हर मंथ आती रहती है। इस टाइप के मैसेजेस ना कई बार आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, कई बार मेरे से पूछते हैं लोग। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि भाई फॉरएवर में कोई सैलरी नहीं आती है। अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हो तो यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी होती है किसी जॉब में। ये एक बिजनेस है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके साथ एसोसिएट होते हो तो यहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको रिटेल प्रॉफिट या फिर बोनसेस मिलते हैं। तो ये चीज़ 100% क्लियर कर लो। मतलब ये मत सोचो कि कितनी सैलरी आती है, सैलरी आती ही नहीं है। और जैसे कमेंट में पूछा कि सर कब तक आती रहती है सैलरी, सैलरी यहाँ पे मिलती ही नहीं है। अगर आपको कोई ये कहता है कि पैसा लगाना है सिर्फ एक बार और उसके बाद आपको पैसा आता रहेगा, या सिर्फ लोगों को जोड़ते रहोगे तो आपको पैसा आता रहेगा, ये बिल्कुल ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ये समझ लो इसको एक तरह का आप स्कैम कह सकते हो, इसको फ्रॉड भी कहते हैं। तो ऐसी किसी की इन्फॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट मत करो। 100% समझो कि बिजनेस प्लान क्या है और समझ के अच्छे से काम करो। अच्छा, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि सिर्फ ज्वाइन कर लेने से शायद उनको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। देखो भाई, सिर्फ ज्वाइन करने से आपको पैसे नहीं आते हैं। ज्वाइन करके जो एक्चुअल में काम करना है वो काम करोगे तो तब आपको पैसा आएगा। और ना ही सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाने से पैसा आता है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ लोगों को, क्योंकि ज्वाइनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ज्वाइनिंग सिर्फ करवाते जाओगे और आपको पैसा आता जाएगा, नए नए लोगों को सिर्फ जोड़ते जाओगे और आपको पैसा आता जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रॉपरली बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड करो। अगर आप बिजनेस प्लान को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो मेरा उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लेना। प्रॉपर मार्केटिंग प्लान क्या है कंपनी का, आपको पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको पैसा कैसे आता है। अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि क्या सर यहाँ पे पैसे आते हैं, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाव पे और वैसे भी जो बिज़नेस प्लान है उसके बिहाव पे ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो, अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आपके आते हैं, तो आपको 100% यहाँ पे इनकम होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी ने ये बोला है कि यहाँ पे सैलरी आती है, या आपको हमेशा सैलरी आती रहेगी, या 2CC करने के बाद आपको हमेशा सैलरी आती रहेगी, तो या तो आपको सुनने में समझने में गलती हुई है, या फिर जिसने आपको बताया है उसने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। 2CC करने से कोई सैलरी नहीं आती है, इनफैक्ट 2CC करने पे आपको कोई पैसा भी नहीं आता है, अनटिल अनलेस कि आपने कोई रिटेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट निकाले हैं और आपको रिटेल प्रॉफिट वहाँ पे जो है मिला है। अदरवाइज कंपनी की तरफ से 2CC करने पे भी कोई पैसे नहीं आते हैं। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पैसे आते कैसे हैं। देखो, आपके थ्रू ये अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ को, ये चीज़ समझने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे तो 10 टाइप्स की इनकम सोर्सेज हैं फॉरएवर में, आप 10 टाइप से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन जब आप शुरू करते हो तो तब मैं मेनली बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे पैसा आता है। ये चीज़ तो 100% क्लियर कर लो कि जब आपके थ्रू कोई प्रोडक्ट मूव होता है, या आपके रिक्रूट किए हुए पर्सन के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट मूव होता है, मतलब वो या तो खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट लेते हैं या फिर वो किसी को सेल करने के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, तो तब आपको इनकम आती है यहाँ पे। यानी कि प्रोडक्ट आपका जब मार्केट में सेल होता है तब आपको यहाँ पे इनकम आती है उसके ऊपर। ये 100% क्लियर कर लो। ये नहीं कि बस एक बार 30,000 पे लगाया और उसके बाद बैठ जाओ, फिर करना कुछ नहीं, आपको पैसे आते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको देता है, या तो इसको अच्छे से समझो, आपको समझने में गलती हुई है, या फिर जिसने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है वो सही नहीं दी है। यहाँ पे इनकम आती है आपको एक तो रिटेल, कि आपके थ्रू प्रोडक्ट को रिटेल हुआ है, चाहे वो नोवेस्ट कस्टमर को ही हुआ है रिटेल, उसके ऊपर आपको पैसे बचते हैं, या फिर आपको जो आपके नीचे अगर आप कोई नया पर्सन ज्वाइन हुआ है, उसने कुछ प्रोडक्ट आपसे बाय किया है या उसने अपना 2CC कंप्लीट किया है, तो तब उसके ऊपर आपको इनकम आती है। और या फिर जैसे जैसे आपके लेवल्स ग्रो होते हैं तो आपको अपने टीम के जो नीचे वाले पर्सन हैं, जो उनके लेवल और आपके लेवल पे जो परसेंटेज आपको मिलती है उसका डिफरेंस आपको दिया जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया इस मैसेज के थ्रू। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई मिसगाइड करता है तो उसको मेरा ये वीडियो भेज दो, आपको बड़े आराम से आप उसको क्लियर भी कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो में बस यही छोटा सा एक मैसेज था, ताकि आपको कोई अंडरस्टैंडिंग ना रहे। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।